अब हमने बात करनी है अबाउट ब्लेफराइटिस. सो व्हाट इज ब्लेफराइटिस? एज इट्स नेम सजेस्टिंग, इट इज अ सब एक्यूट आइटिस, मींस इन्फ्लेमेशन, राइट? सो इट इज आइदर द सब एक्यूट आइदर द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड मार्जिन. ठीक है, होडियोलम भी मार्जिन्स पे था और ये भी मार्जिन्स पे है. ठीक है, सो इट इज सब एक्यूट और द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन्स. होडियोलम क्या था? इट वाज अ सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन थी. ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, ब्लेफराइटिस के दो टाइप्स होती हैं, आइदर इट इज इंटीरियर आइदर इट इज पोस्टीरियर. अच्छा पोस्टीरियर का अगर सेकंड नेम होता है मेबोमिनाइटिस, बिकॉज पोस्टीरियर वही बात है, इसमें भी वही सीन है आपके पास एंटीरियर पोस्टीरियर का, कि लिड है उसकी, ये आपके पास एक आईलिड मार्जिन है, जहाँ अगर जहाँ पे लैशेज हैं वो वाला एरिया इन्वॉल्व हो रहा है तो डेट इज इंटीरियर, और अगर ये वाला एरिया इन्वॉल्व हो रहा है तो डेट इज पोस्टीरियर. यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड ग्लैंड्स ऑफ मोल इन्वॉल्व होंगे, अगर यहाँ वाला मसला हो रहा है तो मेबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व होगा. डेट्स वाई द पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेबोमियनाइटिस, राइट? और एंटीरियर की फर्दर फिर दो टाइप्स आती हैं आपके पास. एंटीरियर के दो टाइप्स के हैं, एंटीरियर इज आइदर इन्फेक्टिव और आइदर नॉन इन्फेक्टिव, राइट? अब इन्फेक्टिव का सेकंड नेम होता है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस या स्टेफिलोकोकल ब्लेफराइटिस, और पोस्टीरियर जो आपके पास नॉन इन्फेक्टिव होता है उसको हम स्क्वेमस ब्लेफराइटिस भी कहते हैं या सिबोरिक ब्लेफराइटिस भी कहते हैं. अच्छा अब हम बात करेंगे अबाउट अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस. अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस क्या होता है? अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस इज द, वही बात है एक्यूट, वही वहां पे जैसे बात करनी है आपने एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है आपके पास. एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपके पास किस चीज की है? लैश के फॉलिकल्स की. ठीक है, और इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं? जीस एंड मोल. अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस आर द एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैश फॉलिकल्स. ठीक है, और इसमें क्या होता है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड मोल. ठीक है, ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन करता है? ये कर रहा होता है, जैसे आपके पास होडियोलम को स्टेफ ओरियस ने किया था, इसको भी स्टेफ ओरियस ही करता है. ठीक है, बट इसके साथ साथ स्टेफ एपिडर्मिडिस भी होता है. तो ये दो बैक्टीरिया हैं जो ये करते हैं, स्टेफिलोकोकस ओरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस. अब पेशेंट आपके पास किस कंप्लेंट के साथ आएगा? चाहे ये बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है बट इसमें पेशेंट को पेन नहीं होती है, बिकॉज उसके फॉलिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद क्रॉनिक इरिटेशन, उसको लैशेस पे आईलिड के मार्जिन पे इरिटेशन होती है, लैक्रिमेशन है, आंखों में से पानी निकलना, राइट? फोटोफोबिया है, इरिटेशन, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया. ठीक है, उसके अलावा उसको इचिंग होगी. तो ये बेसिक से कुछ कंप्लेंट्स है, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया. ठीक है, और प्लस जो एक मेन जो चीज़ जो आपसे कहेगा कि मेरी आई लैशेज जो है वो जुड़ जाती हैं, तो क्या कहते हैं? ग्लूइंग ऑफ आई लैशेज. तो ये कुछ बेसिक से कंप्लेन है. पेशेंट को क्या होगा? एक इचिंग हो सकती है, इचिंग इरिटेशन है, वो आंखें कहेगा कि मेरी लैश आपस में जुड़ जाती हैं. ठीक है, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया. जब आप देखोगे तो सिम्टम्स हो गए ना जो पेशेंट ने आपको बताया. अब इसके अलावा सिम्टम्स के अलावा साइंस जो हैं जो आपको क्या नजर आएगा, आपने देखना है. आप क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे कि उसकी आईलेट्स को, मसला तो वहीं पे है ना, आईलेट्स पे क्या होगा? उसके मार्जिन्स सॉलन होंगे, आईलेट्स रेड होंगी. ठीक है, अब आप देखोगे कि वहां पे जो पस थी वो ड्राई हो गए, क्रस्ट बन चुके हैं. ठीक हो गया, अब उन क्रस्ट से आपस उन क्रस्ट की वजह से जो आपके पास आई लैशेज हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो क्या कहेंगे? मैटेड टुगेदर. ठीक है, तो आपको क्या नजर आएगा? उसके जो आईलेट के मार्जिन है वो रेड हैं, एडिमेटस हैं. ठीक है, जो पस थी वो ड्राई होकर क्या बन गई? आपके पास क्रस्ट बन के हो गए. ठीक है, अब आपके पास क्या होगा? अगर आप इन क्रस्ट को रिमूव करने की कोशिश करोगे तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा? क्रस्ट जो आपके पास, अगर आपने आप पीछे आपके पास बच जाएगा ब्लीडिंग अल्सर. ठीक है, क्रस्ट रिमूव करोगे तो पीछे ब्लीडिंग सा अल्सर बच जाएगा. आपके पास जो क्रस्टिंग हुई है, सपोज अगर ये लैश है ना, आपके पास ये लैशेज है, तो यहां यहां करके आपके पास क्रस्ट बनने में ऑन द बेस और सेंटर पार्ट ऑफ द लैशेज. ठीक है, क्रस्ट टेंड टू बी लिखा हुआ बुक की भी लाइन है, क्रस्ट टेंड टू बी सेंटर्ड अराउंड द बेसिस. क्रस्ट को रिमूव करने की कोशिश की ताकि ब्लीडिंग अल्सर बन जाएगा, और इन क्रस्टिंग की वजह से आपके पास आई लैशेज मैटेड टुगेदर है. ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट इट्स कॉम्प्लिकेशंस. चलो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ.
क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसकी. देखो अब कॉम्प्लिकेशन आइदर लिड्स पे तो डेफिनेटली होंगी, आई लिड्स पे, कॉर्निया की भी हो सकती है, कंजक्टाइवा पे होंगी. ठीक है, अब आईलिड पे क्या, लिड्स पे क्या हो सकता है, या वहां पे हो सकता है कि मेडरोसिस हो जाए. मेडरोसिस का मतलब होता है आईलैशेस बिल्कुल उतर गई हैं, खत्म हो गई हैं, पोलियोसिस, उनका कलर चेंज हो जाए. ठीक है, और उनकी ट्रिकियसिस, ट्रिकियसिस का मतलब होता है कि आईलिड जैसे ये हमारी इस तरह बाहर की तरफ होती है ना लैशेस, इन पेशेंट्स में वो लैशेस ऐसे अंदर की तरफ हो जाएंगी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ जाएंगी द कंजक्टाइवा द कॉर्निया. इसी वजह से आपके पास कंजक्टाइवल और कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे, या तो ट्रिकियसिस हो सकती है, पोलियोसिस मतलब बिल्कुल का कलर चेंज हो जाएगा, या आपके पास क्या हो जाएगा, मेड्रोसिस प्लस लिड्स पे टोसिस हो सकती है लिड्स, राइट. तो ये चार पांच जो है आपके पास कॉम्प्लिकेशन होती है. कंजक्टिवा में क्या हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस, सीधी सी बात, कुछ ना समझ आए तो कंजक्टिवाइटिस. अब कंजक्टिवाइटिस में पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, उसमें बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है. ठीक है, अब कॉर्निया में क्या होगा, केराटाइटिस. अब ये पंक्टेट केराटाइटिस भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, मार्जिनल केराटाइटिस भी हो सकता है, या आपके पास वो जो अल्सर होता है कैटरियल अल्सर वो हो सकता है. ठीक है, तो केराटाइटिस से कौन कौन से, मार्जिनल हो सकता है, पंक्टेट हो सकता है, आपके पास एक कैटरियल अल्सर बन सकता है. उसके अलावा कॉर्निया में टीयर फिल्म की, कॉर्निया में हमने क्या क्या बात की अभी, केराटाइटिस की बात की है और वो एक कैटरियल अल्सर की बात की. अब इसमें जो टीयर फिल्म है उसकी भी इंस्टेबिलिटी हो सकती है. ठीक है, सो ये आपके पास सारी कॉम्प्लिकेशंस है. अब आप इसको कैसे ट्रीट करना है, आप पेशेंट को सबसे पहले, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप उसको आईलिड हाइजीन के बारे में बताओगे. ठीक है, आईलिड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी है. उसके लिए आप उसको क्या दोगे, बेबी शैम्पू लोशन. बेबी शैम्पू लोशन तो उसका हो गया, दिन में आपने दो दफा लगाना है इसको. ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये बैक्टीरियल है तो आप उसको एंटीबायोटिक्स दोगे. एंटीबायोटिक्स आप इसको देनी देनी होती है. ठीक है, एंटीबायोटिक आपके टॉपिकल ऑइंटमेंट्स देनी है टॉपिकली अप्लाई करने के लिए. उसके अलावा आप टॉपिकली इसको क्या दोगे, स्टीरॉइड्स दोगे. इन्फ्लेमेशन भी तो ये भी है, तो आईलिड हाइजीन को मेंटेन करना है, एंटीबायोटिक्स देने, स्टीरॉइड्स देने, प्लस और क्या करना है, हमने बात की थी कि उसको टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हुई हुई है तो हम उसको आर्टिफिशियल ये देंगे. ट्रीटमेंट को याद करने का बेसिक तरीका यही होता है कि पेशेंट जिन जिन सिम्टम्स आया है और जो जो साइंस आपको नजर आ रहे हैं उन्हीं को ट्रीट करना होता है आपने. क्योंकि देखो उसके आईलिड के वो क्रस्टिंग वगैरह हुई हुई थी ना, तो उसको आईलिड हाइजीन देंगे क्योंकि बैक्टीरिया कॉज कर रहा था, एंटीबायोटिक्स देंगे, स्टीरॉइड देंगे, इन्फ्लेमेशन की वजह से उसकी टीयर फिल्म स्टेबल हो गई थी, हमने उसको आर्टिफिशियल टीयर्स दे दिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस. अब हम बात करेंगे अबाउट द स्क्वेमस ब्लेफराइटिस.